बड़ी खबरों में। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगरा में जो मॉडल अपनाया है उसकी खूब प्रशंसा हो रही है। योगी मॉडल के नाम से रविवार को यह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा। प्रदेश सरकार का हॉटस्पॉट मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। जी हाँ, इस मॉडल पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहना के बाद प्रदेश सरकार भी उत्साहित है। जबकि सबसे बड़ा प्रदेश और जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद यहाँ कोरोना के मामले कम हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का सबसे पहला क्लस्टर आगरा में सामने आया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने पूरी सतर्कता बरती और बेहतर रणनीति के साथ कार्य करना शुरू किया, जिसके तहत जनपद के सभी हॉटस्पॉट को चिन्हित, रैपिड रिस्पांस टीम, बल्क में सैंपलिंग, कॉल सेंटर की स्थापना, डोर स्टेप डिलीवरी और सभी घरों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए देश में दो मॉडल की चर्चा हो रही है, एक आगरा तो दूसरा भीलवाड़ा है। आगरा में लागू की गई व्यवस्था के तहत पूरे जनपद में बिना कर्फ्यू लगाए सिर्फ हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन्हें पूर्णतः सील किया गया। सील क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया गया। वही कोरोना वायरस के डर ने अपनों से किया अपनों को दूर। जी हां, मुंबई से पैदल ही वाराणसी पहुंचा मां ने घर के दरवाजे किए बंद। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग इतना डरे सहमे हैं कि दूसरे शहरों से आकर घर आने वाले अपने परिजनों को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बता दें, मुंबई से घर लौटे युवक को भी परिजनों ने दरवाजे पर से ही घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद युवक अपने नानी के घर में जाकर शरण लिया। वाराणसी शहर के गोला तीनानाथ निवासी अशोक मुंबई के होटल में काम करता है। लॉकडाउन और मुंबई में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 20 दिनों से यह होटल बंद है। अशोक के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो मुंबई से वाराणसी अपने घर के लिए पैदल ही चल पड़ा। करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा पैदल करने के बाद रविवार को अशोक पहुंचा। सबसे पहले अशोक अपनी जांच कराने मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा पहुंचा। वहां बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। जब जाँच नहीं हुई तो वह दीनदयाल अस्पताल पहुँचा, जहाँ पर जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उसे घर में 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने की हिदायत दी। इसके बाद जब वह घर पहुँचा तो माँ ने घर के दरवाजे ही नहीं खोले। युवक घर के बाहर से ही मिन्नतें करता रहा, लेकिन घर वाले उसे अंदर आने नहीं दिए। घर वालों का कहना था कि अशोक मुंबई से आया है, हो सकता है उसे कोरोना हो। इसके अलावा पुलिस भी परेशान करेगी और मुकदमा भी करेगी। इसके बाद परेशान अशोक कतुआपुरा स्थित नानी के घर चला गया। अगली खबर है जनपद हाथरस से, जहां की दवाई होम डिलीवरी करने जा रहे युवक को दरोगा ने पीटा। मेडिकल एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी। जी हां, हाथरस में दवा की होम डिलीवरी करने जा रहे मेडिकल स्टोर के कर्मचारी के साथ एक दरोगा द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारी को 6 घंटे तक कोतवाली में बंधक बनाकर रखा गया। बता दें, मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि मामले की जानकारी पाकर जब वो कोतवाली पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। इस मामले को लेकर मेडिकल एसोसिएशन में काफी रोष व्याप्त है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सोमवार तक कार्यवाही नहीं हुई तो मंगलवार से जिले भर के मेडिकल स्टोर संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन ने इसे लेकर डीएम को पत्र भेजा है। आरोप है कि इजहार अहमद को धीरज ने दवा और बिल भी दिखाया, लेकिन दरोगा ने उसे शरेआम चौराहे पर पीटा और फिर उसे बिना वजह 6 घंटे तक कोतवाली सदर में बंदी बनाए रखा। इसकी जानकारी मिलने पर जब मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी वहां पहुंचे तो देखा कि कर्मचारी के शरीर पर गंभीर चोटें हैं। इसकी जानकारी पाकर मेडिकल स्टोर संचालक अमित के बड़े भाई नवीन कुमार कोतवाली पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज और अभद्रता की गई। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक ने जबरन खाली कागज पर धीरज से हस्ताक्षर करा लिए और धीरज को छोड़ दिया। मेरठ के हॉटस्पॉट जली कोठी में फिर हुआ हंगामा। पुलिस ने 3 बार पैदल किया मार्च लाठी फटकारी। जी हां, मेरठ में अतिसंवेदनशील हॉटस्पॉट जली कोठी में रविवार को फिर हंगामा हो गया। लोगों ने गलियों में नारेबाजी की। पुलिस ने इन लोगों को समझाते हुए कहा कि यह दौर हंगामा करने का नहीं बल्कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का है। वहीं पुलिस ने जली कोठी के इलाकों को चारों तरफ से सील कर दिया। कहीं कहीं पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी। कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना संदिग्ध लोगों को मेडिकल जांच के लिए भेजने के बाद जली कोठी के हॉटस्पॉट को सील करने पहुंची थी।
इस दौरान पुलिस प्रशासन पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। मारपीट और पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह व दरोगा मुकेश कुमार घायल हो गए थे। डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय सहानी ने इलाके में बैरिकोडिंग कराते हुए उसे छावनी में तब्दील करा दिया था। मौके से मुतवल्ली समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रविवार को फिर से जलीकोठी के कुछ लोग गलियों में निकल आए और हंगामा व नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला और एसओ देहली गेट रविंद्र सिंह पहुंचे और लोगों को समझाया। गाड़ी में पड़ा रहा कोरोना संदिग्ध का शव अंतिम संस्कार करने से इनकार किया परिवार वालों ने। कोरोना वायरस के खौफ के चलते इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला आया सामने। जी हाँ, पार्थिव शरीर के सामने हर किसी के सिर झुक जाते हैं, लेकिन अब कोरोना का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। एक ऐसा ही वाक्य कानपुर के अलग अस्पताल में सामने आया, जहाँ पर जान गंवाने वाले कोरोना संदिग्ध युवक के साथ हुआ एक ऐसा हादसा। वाहन से जैसे ही उसका शव भैरवघाट स्थित विद्युत सौदागर पहुंचा, वहां के स्टाफ ने कोरोना संदिग्ध सुनते ही हाथ खड़े कर दिए। यही नहीं, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सुबह भी जब जवाब नहीं मिला तो वाहन चालक शव लेकर भैरवघाट से वापस न्यूरो कोविड-19 आया और हेलक के अधिकारियों को जानकारी देकर चला गया। अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों ने जिला प्रशासन से बात कर विद्युत सौदाग्रह में अंतिम संस्कार की अनुमति दिलाने की बात कही, तब जाकर 10 बजे मंजूरी मिल सकी। इसके बाद फिर से शव को भैरवघाट भेजा गया, जहां पर रविवार को 11 बजे अंतिम संस्कार किया गया। हैलक से भैरवघाट के बीच 15 घंटे तक कोरोना संदिग्ध युवक का शव झूलता रहा। इस दौरान परिजनों का बिलखना सभी की आंखें नम कर रहा था। कोरोना संदिग्ध 18 वर्षीय युवक घाटमपुर का रहने वाला था। उसे बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शनिवार शाम को हैलक इमरजेंसी लाया गया था। परीक्षण के बाद न्यूरोसाइंस सेंटर के कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहाँ देर रात उसकी मौत हो गई थी। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।